मेरठ में एक बड़ा हादसा हुआ। कोतवाली क्षेत्र के खंडक बाजार में स्थित मकान में रविवार देर शाम दर्दनाक हादसे में दो बच्चियों की मौत हो गई। गैस लीक होने से मकान में भीषण आग लगी और लपटों के बीच दो बच्चियां अंदर ही रह गई। दोनों बच्चियों की झुलसने के कारण मौत हो गई। खंडक बाजार में मस्जिद के पास सकरी गली में इदरीश का मकान है। इनके बेटे कपड़ा कारोबारी जुनैद के यहाँ 21 दिन पहले ही बेटी पैदा हुई थी। सोमवार को बेटी अलीशा के हकीका का कार्यक्रम था, इसी को लेकर परिवार और रिश्तेदार आए हुए थे। देर शाम करीब 7:30 बजे मकान में सिलेंडर लीक होने से अचानक आग लग गई। आग लगते ही भगदड़ मच गई और सभी सदस्य घर से बाहर भागे। कुछ लोगों ने आग के बीच रखे सिलेंडर बाहर निकाले। अफरा तफरी में जुनैद की 21 दिन की बेटी और उसकी बहन शैला निवासी दिल्ली भजनपुरा की 1 महीने की बेटी इनाज अंदर ही रह गई। परिवार के सदस्य बाहर आए तो पता चला कि बच्चियां अंदर हैं। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान दो बच्चियां घर में ही फंस गई। आग में झुलसने और दम घुटने की वजह से दोनों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस दौरान आग पूरे मकान में फैल गई और दोनों बच्चियों की जलने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही सीओ कोतवाली, फायर फाइटर और दो थानों की पुलिस मौके पर दौड़ी। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस और फायर टीम आग लगने के कारण